Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching MITR tutorial. तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे. तो इस वीडियो में मैं कम्यूटेटर एलजेब्रा में जो मेरी चर्चा चल रही थी उसे आगे बढ़ाऊँगा. मैंने कम्यूटेटर एलजेब्रा को डिफाइन कर रखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ. दूसरे वीडियो में मैंने पोजिशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर के बीच कम्यूटेशन रिलेशन्स निकाल कर दिखाए हैं. फिर तीसरे वाले पार्ट में हमने मोमेंटम और मोमेंटम के बीच रिलेशन निकाल कर दिखाए हैं. तो ये पोजीशन का मोमेंटम के साथ हो गया और मोमेंटम का मोमेंटम के साथ हो गया. आज हम लोग पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन क्या है वो देखेंगे. तो पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन देखने से पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं. तो एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है ना. ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा. तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसे हम लोग एल कैप इक्वल्स टू आर कैप क्रॉस पी कैप लिख सकते हैं. अब हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर को माइनस आयोटा एच कट निबला लिखते हैं. तो ये आर क्रॉस निबला हो गया. अब अगर हम लोग r क्रॉस निबला की वैल्यू फाइंड करें तो ये वैल्यू है i कैप j कैप k कैप. यहाँ पे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट और यहाँ पे निबला का x कंपोनेंट, निबला का y कंपोनेंट और निबला का z कंपोनेंट. अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको r क्रॉस निबला की वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे. एक सर्कल लीजिए, इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम लोग एक्स वाई जेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को हम लोग साइक्लिक यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में साइक्लिक घुमा रहे हैं. ठीक है, इस साइकिल में ये क्लॉक वाइज घूम रहा है एक्स वाई जेड. तो ये माइनस आयोटा एच कट तो कॉमन होगा, है ना. अब ये एल वेक्टर जो है वो क्या होगा, एल एक्स कैप प्लस एल वाई कैप प्लस एल जेड कैप, जिन इन सब में माइनस आयोटा एच कट कॉमन होगा. चेंज कौन सी वैल्यू होगी, ये आर क्रॉस निबला वाली वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी. तो आप इसे सॉल्व कर एल एक्स एल वाई एल जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन सपोज कि हम लोग न्यूमरिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो क्विकली निकालने के लिए आप तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं, ये माइनस आयोटा एच कट. ठीक है, माइनस आयोटा एच कट. अब यहाँ पे देखिए, आपको एल एक्स की वैल्यू लिखनी है तो आप एक्स से साइक्लिक घूमिए वाई एंड जेड. पहले क्या आया, पहले वाई आया. तो यहाँ पर ये वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड डो बाई डो वाई, फिर माइनस आयोटा एच कट. तो ये वाई है तो वाई से फिर साइक्लिक यानी जेड एक्स. तो जेड डो बाई डो एक्स माइनस एक्स डो बाई डो जेड, उसके बाद ये माइनस आयोटा एच कट. इस बार जेड की वैल्यू लिखनी है तो एक्स एक्स डो बाई डो वाई माइनस वाई डो बाई डो एक्स. ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट तरीका. अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए, ये आई कैप है तो वाई डो बाई डो जेड y डो बाई डो जेड माइनस माइनस जेड डो बाई डो वाई माइनस जेड डो बाई डो वाई. ठीक इसी तरीके से आपको इसके लिए और इसके लिए भी ये वैल्यूज मिल जाएंगी. तो अब हम लोग अपने कॉम्ब्यूटेशन रिलेशंस को फाइंड करते हैं पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के बीच. तो सपोज कि हमारे पास x कॉम्पोनेंट है पोजीशन का और x कॉम्पोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का. तो ये x ऑपरेट करेगा पहले lx पर, फिर माइनस lx ऑपरेट करेगा x पर. सॉरी, ये अब स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग कम्यूटेटर ब्रैकेट से बाहर निकल चुके हैं. यहाँ पे हम लोग एक स्टेट फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं अपने ऑपरेशन के लिए, फिर बाद में हम लोग इसे ड्रॉप कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, x फिर यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट. अब एक्स से साइकिल आगे बढ़ाइए, एक्स से साइकिल आगे बढ़ेगा तो पहले वाई आएगा फिर जेड आएगा, यानी ये वाई डो बाई
डो जेड माइनस जेड डो बाय डो वाई, ये साई पे ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद निगेटिव साइन है, फिर माइनस आयोटा एच कट y डो बाय डो z माइनस z डो बाय डो y, और ये किस पे ऑपरेट करेगा, x साई पे ऑपरेट करेगा, ये x और x साई पर ऑपरेट करेगा। यहाँ पर ये जो हमारा x ऑपरेटर है ये साई पर ऑपरेट कर रहा है, और ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है ये इन दोनों पे ऑपरेट करेगा। यहाँ पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है वो साई पर ऑपरेट कर रहा है, और ये हमारा जो एक्स यानी पोजीशन ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम पर ऑपरेट करेगा। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच कट वाई एक्स डो साई बाय डो जेड माइनस जेड, सॉरी नॉट माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस, ये प्लस आयोटा एच कट, आयोटा एच कट एक्स जेड डो शाई डो वाई, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर आयोटा एच कट, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना, तो ये वाई, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो ये डो एक्स बाय डो जेड और ये साई कांस्टेंट, ठीक है, आयोटा एच कट वाई, और ये उस पर ऑपरेट हुआ, तो पहले एक्स वाले को लिया, साई को कांस्टेंट रखा, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस आयोटा एच कट वाई और ये एक्स भी कॉमन और ये डो साई बाय डो जेड। उसके बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी नेगेटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आयोटा एच कट जेड, आयोटा एच कट जेड डो एक्स बाय डो वाई साई कांस्टेंट, फिर से माइनस आयोटा एच कट जेड एक्स कांस्टेंट डो साई बाय डो वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक्स जेड वाला टर्म है, ये जो टर्म है ये ज़ीरो, क्योंकि ये पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव आयोटा एच कट वाई एक्स डो साई डो जेड और यहाँ पे पॉजिटिव आयोटा एच कट वाई एक्स डो साई डो जेड, ये दोनों कैंसल आउट। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले टर्म में नेगेटिव आयोटा एच कट जेड एक्स डो साई डो वाई और यहाँ पर भी आयोटा एच कट एक्स जेड डो साई डो वाई, ये दोनों भी कैंसल, और ये जो डो एक्स बाय डो वाई है ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है ना। यानी हमारे पास ये जो कम्यूटेशन रिलेशन आया ये ज़ीरो आया, ठीक है। यानी जब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन के एक्स कंपोनेंट को और एंगुलर मोमेंटम को एक्स कंपोनेंट को कम्यूट कराने की कोशिश करेंगे तो वो कम्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स कि हम लोग एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट और एंगुलर मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग लें तो पहले एक्स और एलएक्स को लिए थे, तो अब इस बार वाई और वाई कैप को और एलएक्स कैप को ले लेते हैं। तो इस बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर लिखूँ तो वाई कैप ये माइनस आयोटा एच कट, अब यहाँ पे ये x ही है तो y डो साई बाय डो z माइनस z डो साई डो y, ये ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद, नेगेटिव साइन, अब ये माइनस आयोटा h कट y डो बाय डो z माइनस z डो बाय डो y, और यहाँ पे हमारे साथ y साई, यानी जहां जहां पे पहले x था, x कंपोनेंट था, वहां वहां इस बार y हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसे अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो ये नेगेटिव आयोटा h कट y स्क्वायर डो साई बाय डो z नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आयोटा h कट y z डो साई बाय डो
वाई, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सॉरी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये पॉजिटिव, तो ये आयोटा एच कट वाई डो वाई बाई डो जेड, ये साई, फिर प्लस आयोटा एच कट वाई, आयोटा एच कट y, ये y, और इस बार ये y को कांस्टेंट और साई का डिफरेंशिएशन, ये यानी ये y स्क्वायर और ये डो साई बाय डो z, और फिर से ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव आया, तो इस बार आयोटा h कट z डो y बाय डो y, और यहाँ पे साई, और इस बार फिर से नेगेटिव माइनस आयोटा h कट जेड वाई डो शाई बाई डो वाई, है ना, देख लीजिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और इस बार पहले हम लोग क्या किए थे, वाई को डिफ्रेंशिएट किए थे वाई के रिस्पेक्ट में, और इस बार हम लोग साई को डिफ्रेंशिएट करेंगे और वाई को कांस्टेंट रखेंगे, तो वाई को हम लोग कांस्टेंट रखे और साई को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव आयोटा एच कट जेड वाई डो शाई डो वाई, और ये पॉजिटिव आयोटा एच कट वाई जेड डो साई डो वाई, तो ये दोनों कैंसल, ठीक है। अब वो आयोटा एच कट वाई स्क्वायर, ये आयोटा एच कट वाई स्क्वायर और ये नेगेटिव आयोटा एच कट वाई स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसल। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाई जेड है, ये वाई को हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये लड्डू, और यहाँ पर ये डो वाई बाई डो वाई जो है, ये टर्म जो है ये वन, यानी ये टर्म हमारा बच गया, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ऑफ आयोटा एच कट जेड साई। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टेट फंक्शन को ड्रॉप कर देंगे, तो अगर हम लोग इसे ड्रॉप कर दें तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव आयोटा एच कट जेड। तो हम लोग जब सेम सेम कंपोनेंट्स के लिए ले रहे थे तो लड्डू आ रहा था, और जब डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए ले रहे हैं तो एक वैल्यू मिल रही है। अब हम लोग इसे जनरलाइज करते हैं, है ना, तो जनरलाइज करने के लिए तो ये जो हमें वैल्यूज मिली, ये हमें मिली जब हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे, पोजीशन का एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट और एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंट कोऑर्डिनेट ले रहे थे, तो हमें एक वैल्यू मिली, यानी ये आपस में कॉम्यूट नहीं हुआ, यानी इसे हम लोग साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, जबकि इसे हम लोग साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये कॉम्यूट हो रहा है। तो अगर आप इस रिजल्ट को देखें एक्स एल एक्स इक्वल्स टू जीरो को, तो आप इस रिजल्ट के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि वाई एल वाई इक्वल्स टू जीरो एंड जेड एल जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अगर इससे हम लोग अपने रिजल्ट्स फाइंड करें, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल बनाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल, इसमें एक्स वाई जेड, सॉरी वाई एंड देन जेड, है ना, ये हमारा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए वाई से एक्स जा रहे हैं, यानी वाई से एक्स जा रहे हैं, ये वाई से एक्स जब हम लोग जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, उसी की वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आया है, और ये आयोटा एच कट कॉमन होगा, और यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे x कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पर z है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग x l y लिखें, x l y लिखें, तो ये क्या आएगा, थोड़ा सोचिए, देखिए x से y अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएं, है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, यानी ये नेगेटिव नहीं होगा, है ना, ये आयोटा एच कट हम लोग लिख देते हैं क्योंकि आयोटा एच कट सब में रहेगा। अब ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट नहीं है, जेड कंपोनेंट नहीं है, ये जेड। आप इस रिजल्ट को आयोटा एच कट जेड, ये हमारा रिजल्ट आएगा इसमें, ठीक है। अब अगर हम लोग इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाएं, तो हम लोग एक्स कैप को एल जेड के साथ भी लिख सकते हैं, तो एल जेड के साथ अगर हम लोग लिखें तो एक्स से जेड जाना है, एक्स से जेड जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये नेगेटिव साइन आयोटा एच कट। अब यहाँ पे एक्स है जेड है, तो यहाँ पे वाई,
ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े अपने इस डिस्कशन में, तो वाई को अगर हम लोग लें, है ना, वाई को अगर हम लोग लें अपने एल वाई के साथ, सॉरी वाई को एल वाई के साथ हम लोग ले चुके हैं, एल जेड के साथ अगर हम लोग लें तो ये क्या आएगा, वाई से जेड जा रहे हैं यानी क्लॉक वाइज, तो ये आयोटा एच कट और यहाँ पर एक्स, तो ये हो जाएगा वाई जेड। अब देखिए वाई जेड के साथ हो गया, वाई एक्स के साथ हो गया, वाई वाई के साथ हो गया, जेड जेड के साथ हो गया, है ना। तो अब जेड को हम लोग लेते हैं वाई के साथ और एक्स के साथ। तो पहले जेड को वाई के साथ यानी एल वाई के साथ, तो Z को अगर हम लोग Y के साथ ले लें तो देखिए Z से Y की तरफ जाइए, Z से अगर आप Y की तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, यानी ये निगेटिव आयोटा एच कट, और Z है Y है तो ये X हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर हम लोग Z को अगर हम लोग X के साथ ले लें, L X के साथ ले लें Z को, तो ये क्या आ रहा है, देखिए Z को अगर X के साथ ले लें तो आप Z से X की तरफ जाइए तो ये क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं, तो ये आयोटा एच कट, और Z है X है तो ये Y। तो ये सारे रिजल्ट्स थे पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के कॉम्यूटेशन रिलेशंस के। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। आई होप आप इसे टू वे इंटरेक्शन बनाइएगा, वन वे इंटरेक्शन नहीं रखिएगा, और अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज मुझे मेल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।